एक नंबर रे हमर रहिला व्हाट इज डीटेल। डीटेल कोन स्किन रो टैन रिमूव करबा पई आमे जो प्रोडक्ट यूज करथाउ ताकु डीटेल कहा जाय हला कि हम स्किन रे बाहर से खराब होले कि रोसई कला बेले हमरो जो स्किन रे टैन हे जाय थाए ताकु हमें रिमूव करबा पई बा ठीक करबा पई आमे जो प्रोडक्ट यूज करथाउ जो क्रीम को यूज करथाउ डीटेल क्रीम यूज करथाउ। दु नंबर रहा डीटेल आम क्यों एरिया रे फेस रे नेक रे हैंड रे लेग रे फुल फेस फुल बॉडी रे तलटा जो लास्ट जो पांच नंबर अच्छे फुल फेस रे फुल बॉडी कर फास्ट हम फेस है हाँ मुझे लिखा ही फुल बॉडी कर दियो। तीन नंबर रहा तीन नंबर रहा डीटेल करने व्यवहृत होता प्रोडक्ट बा मटेरियल आम डीटेल करने कौन कौन प्रोडक्ट बा मटेरियल यूज कर एक नंबर रहा एक रहा क्लींजिंग मिल्क आम क्लींजर यूज करवा फास्ट क्लींजिंग मिल्क हेल्प फेस को भल कि जो जगह डीटेल कर फास्ट भल कि सफा कला डीटेल क्रीम को अप्लाई कर फेसियाल टीस्यू रन फेसियाल टीस्यू आम यूज हम कौन कि आम फेस को पोछापाईपर डीटेल क्रीम हेयर बैंड दरकार जब फेस हेयर बैंड लगे प्रोसेस स्टार्ट वाटर बाउल दरकार हाँ पानी सहित बाउल दरकार पानी रखा प्रोडक्ट बाउल आ गए छोट बाउल दरकार प्रोडक्ट रखापाईगा बाहर करने पाचुला दरकार प्रोडक्ट को बाहर करने पैक ब्रश दरकार क्रीम को अप्लाई करने सब सर मॉइस्चराइजर लगे मॉइस्चराइजर भी दरकार। चार नंबर रहा क्यों स्किन डिटेल करने अनुचित आमर सब जहाँ भी आम जिन यूज कर सब स्किन आम यूज करें जो हाइपर सेंसिटिव अच्छी से स्किन के डिटेल करनी हाइपर पिंपल्स जो अच्छी से स्किन के डिटेल करनी स्किन कंडीशन आम जमी सोरियासिस एक्जिमा था किसी जो इनफेक्शन थी आम स्किन आम डिटेल करवानी जदि रिसेंट सर्जरी जो अपरेसन जो सैंसन हो सुखी नाले पांच नंबर रहा प्रोसेस ऑफ डीटेल प्रथम हाथ को सफा कर सबुति मुझे कहे जिते भी जेकोसी काम कर गोटे क्लाएंटर करोटे क्लाएंटर काम करने पूर्व हाथ को भलसे सफा करम कर दुई नंबर रहा दुई रहा क्लाएंट जदि फेस डीटेल कर हेयर बैंड हेयर लगे जब फेस हेयर बैंड लगे नब तीन रहा क्लींजिंग मिल्क हेल्प डीटेल करने एरिया को दुई रू तीन मिनिट जाए क्लीन करदे आम जो एरिया डीटेल करवा क्लींजर हेल्प भलसे सफा कर दुई रू तीन मिनिट जाए मसाज देखी हाल्का हाल्का आम भलसे सफा कर सफा कर सारापर ओदा थ स्किन को टाउल हेल्प पैक ड्राए कर भलसे सफा कर सारापर आम स्किन ओदा थ पानी हेल्प मैंने पानी साहब पोछे तो ओदा थी तो ओदा स्किन डीटेल को अप्लाई करनी टाउल गई पोछी नब पोछला पर स्किन को अप्लाई कर आवश्यकता हिसाब से बाउल रे डीटेल बाहर करी भले से मिक्स करी देबो आम जो छोट बाउल रे बाहर करिबा डीटेल को जेतिके आवश्यक सेतिके बाहर करिबो तापर भले से मिक्स करी देबो गोळी देबो फेस आउ बॉडी रे किबा हेयर रे अपोजिट डायरेक्शन रे पैक ब्रश हेल्प रे मिक्स होइतिबा डीटेल को अप्लाई करिबा जो जगह रे अप्लाई करबा को चाहुबो फेस हो कि बॉडी रे हो आम हेयर जो डिरेक्शन जोटा थी तो अपोजिट डिरेक्शन में पैच ब्रश हेल्प लगे अप्लाई कर 10 रु 15 मिनिट पर
ଟିଟ୍ ଟ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ରୋଜ୍ ୱାଟର କି ଟୋନର ସ୍ପ୍ରେ କରି ସ୍କିନରେ 5-7 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଭଲସେ ମସାଜ ଦେବା। ଟିଟ୍ ଟ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବ। ଛାଡ଼ିଲା ପରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଟିଟ୍ ଟ୍ୟାନ୍ ଲଗା ହେଇଥିବ ତା ଉପରେ ସେଟା ଶୁଖି ଯାଇଥିବ ହାଲକା ହାଲକା, ସେଥିରେ ରୋଜ୍ ୱାଟର ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବ, ନହେଲେ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଭଲସେ ମସାଜ କରିବ 5-7 ମିନିଟ୍ ଯାଏ। ଯେମିତି ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ସେଦିନ ଦେଖା ହେଉଥିଲା ସେମିତି ମସାଜ ଦେଇଦେବ। ହେଲେ କି ମସାଜ ଦେଲା ପରେ ଟିଟ୍ ଟ୍ୟାନ୍କୁ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିବ। ମସାଜ ଦେଲା ପରେ ଆମର ଫେସିଆଲ ଟିସ୍ୟୁ ହେଲ୍ପରେ ଭଲସେ ପୋଛିଦେବା ଫେସ୍କୁ। କ୍ଲିନ୍ ହେଲା ପରେ ସ୍କିନ୍ରେ ମଶ୍ଚରାଇଜର ବା ଜେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବ। ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କଲା ପରେ ସ୍କିନ୍ରେ ମଶ୍ଚରାଇଜର ହେଉ କି ଜେଲ୍ ହେଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବ। ଏବେ କୁହ କେଉଁ ଫେସ୍ରେ ଆମେ ଜେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, କେଉଁ ଫେସ୍ରେ ଆମେ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା? ତାପରେ ଆମର ରହିଲା 6 ନମ୍ବରରେ ଆଫ୍ଟର କେୟାର ଅଫ୍ ଡିଟେଲ। ଡିଟେଲ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଫ୍ଟର କେୟାର ନେବା? 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ସନ୍ଲାଇଟ୍କୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ହେଲା କି 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଖରାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଇବେ, ଯାହା ବି ପାର୍ଲରରେ ଆସି ଯିଏ ଯାହା କରନ୍ତୁ ତମେ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବେ। ପାଣି ଯଦି କିଛି ନ ପିଇବେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଫେସିଆଲ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଯେତେ କଷ୍ଟ କଲା କରନ୍ତୁ, ସେ ଗ୍ଲୋ ଆସିବନି, ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବ। 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ସୋପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଫେସ୍ରେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କି ସାବୁନ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଡିଟେଲ୍ରେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଓରି ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ହେଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତା ଉପରେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଫେସିଆଲ କରିପାରିବ କି ତା ଉପରେ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ଫେସିଆଲ କି କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ କରୁଛ ତା ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ କ୍ରିମ୍ ଉପରେ ଯଦି ବି ସ୍କ୍ରବ୍ କରୁଛ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଆମର ସେଦିନ କ'ଣ ଦେଖା ହେଲା, ଡିଟେଲ୍କୁ ଆମେ ମସାଜ କରି ପଚିଲା ପରେ ସ୍କ୍ରବ୍ କଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବ, ହଁ ବ୍ଲିଚ୍ ଉପରେ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ ଫେସିଆଲ କରିପାରିବ। ବ୍ଲିଚ୍ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ଅପ୍ର ଥିଓରି ଲେଖା ହେବ, ଆଉ ଆମର ଫେସିଆଲ୍ର ଥିଓରି ଲେଖା ହେବ। ଫେସିଆଲ୍ଟା ହେବ ଯଦି ଆଗ ଆମେ ଏଜୁକେଟ୍ କରିକି ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ ଫେସିଆଲ୍ଟା ଆମେ କ୍ଲିନ୍ଅପ୍ କରିବା।